नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज का हमारे वीडियो का विषय है करियर काउंसलिंग की प्रोसीजर को डिटेल में समझना। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए रिलेवेंट है जिनको अपने करियर के बारे में कोई डायलेमा है, कोई कंफ्यूजन है या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट ने भी देखना चाहिए जो स्कूल सेक्शन में है, उन्होंने भी जो कि जूनियर या फिर सीनियर कॉलेज में है, ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और उनको आगे डिसाइड करना है कि क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये वीडियो उनके पेरेंट्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपको आपके बच्चों को या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई रिलेटिव्स में कोई स्टूडेंट है उनको गाइड करना है, तो इस वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी एज टू हाउ टू डिसाइड योर करियर। अब सबसे पहली चीज ये है कि करियर काउंसलिंग या फिर करियर डिसाइड करने की प्रोसीजर को फॉलो क्यों करना है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए कि करियर एक लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे हम लोग अगर कहीं आउट ऑफ टाउन जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो हम लोग प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन को प्लान करते हैं, कौन सी ट्रेन होनी चाहिए, कौन से फ्लाइट के टिकट्स होने चाहिए, कहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए ही महज रहने वाले हैं, उसको अगर हम लोग ठीक से प्लान करते हैं तो करियर में तो हम लोग आने वाले 10-15 साल गुजारने वाले हैं, तो उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। इसके लिए करियर इज अ लॉन्ग टर्म गेम एंड हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर करियर में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम और मनी, ये दोनों चीजें इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए करियर काउंसलिंग होल्ड्स अ इंपॉर्टेंट वैल्यू। दूसरी चीज कि कोई भी प्रकार का करियर ये सिर्फ हमें लाइवलीहुड ऑप्शन ही देता है ऐसा नहीं है। लाइवलीहुड ऑप्शन तो देता ही है, बट एट द सेम टाइम करियर ये हमारा लाइफस्टाइल, हमारा माइंडसेट, हमारी ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी को शेप करता है। इसके लिए आपका जो करियर है उसकी अगर चॉइस आपकी सूटेबल रहेगी तो इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तीसरी चीज कि करियर में कोई भी तरीके के जो यू टर्न्स होते हैं वो डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए अगर आप शुरुआत में ही प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो फिर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस कि करियर काउंसलिंग हमने करना चाहिए। अब देखिए, हम लोग जब भी कोई भी करियर को रिकमेंड करते हैं तो उसके लिए दो चीजें हम लोग जरूरी मानते हैं। एक मतलब कि जिस किसी विषय में उस स्टूडेंट को करियर करना है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका जो इंक्लिनेशन है या जिस फील्ड में उसको नेचुरल मोमेंटम है वो फील्ड उसने चूज करनी चाहिए। और दूसरा कि जिस किसी फील्ड में उस स्टूडेंट को जाना है उस फील्ड की कुछ एबिलिटीज, कुछ स्किल सेट्स उस स्टूडेंट में होनी चाहिए, उसमें कुछ पोटेंशियल स्किल्स या फिर सुटेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा ऐसा करियर का चॉइस जो कि इंटरेस्ट के ऊपर और हमारी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। पहला कि वहां पे जो भी पढ़ाई करनी है, जो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए एक्सटर्नल पुश और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो चीजें हमें इनहेरेंटली पसंद है। और दूसरा, ऐसे फील्ड में एक्सेलेंस पाना कंपैरेटिवली आसान रहता है। तो करियर का चॉइस दो पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट और एबिलिटीज। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दीज टू पैरामीटर्स हम लोग स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। दिस एप्टीट्यूड टेस्ट इज नथिंग बट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, यालाच आपण मराठीमध्ये कल चाचणी असं पण म्हणतो। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल मिला के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट और सेकेंड पार्ट में उनकी एबिलिटीज को मैप किया जाता है। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये सब ओपिनियन बेस्ड है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में वो स्टूडेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, किसी चीज को उसका देखने का क्या नजरिया है, इस तरीके के सिंपल येस या नो में उसको जवाब देना है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट को किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में पुट करने की कोशिश करता है एंड देन उनका जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग चेक करते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सेस एप्टीट्यूड टेस्ट में नोट होते हैं। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कोई भी अलग से सेपरेट स्टडीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके जो कंटेंट है वो कोई मैथ, साइंस या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे विषयों से रिलेटेड नहीं है। इसमें सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि उनकी मेंटल मेकअप को या फिर पर्सनैलिटी की टाइप को एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें क्वेश्चन ये है कि आपको एक सिंपल 5 नंबर्स की एडिशन करनी है और आपके सामने दो ऑप्शंस है, कैलकुलेटर का प्रयोग करना या फिर पेन और पेपर का इस्तेमाल करना, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। यदि अगर वो स्टूडेंट ये चूज करता है कि आई विल गो फॉर द कैलकुलेटर ऑप्शन, तो उससे ये अंदाजा आ जाता है कि बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करने में भी खुद से गणित करने के लिए उस स्टूडेंट का जो इंक्लिनेशन है वो कम है। इस तरीके के सिंपल यस या नो में उनको क्वेश्चंस को देना है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी तरीके की टाइम लिमिट नहीं है, बट एवरेज जो समय लगता है वो तकरीबन 40 मिनट का लगता है। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट या फिर मोबाइल फोन, ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से दी जा सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट चाहे घर से बैठ के दो या फिर ऑफिस से बैठ के दो, दोनों ही सूरतों में क्वालिटेटिवली उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। चाहे आप हमारे ऑफिस में आए
एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे ही होगी, चाहे घर से दो वो बच्चा देना चाहता है या स्टूडेंट देना चाहता है, उस सिचुएशन में एप्टीट्यूड टेस्ट सेम ही रहेगा। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिंक्स हम लोग आपको ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और उसके बेसिस पे वो एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है स्टूडेंट। नाउ वंस वी आर डन विद द एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके बेसिस पे हम लोग काउंसलिंग सेशन इन पर्सन करेंगे, जो कि हमारे थाने या फिर दादर की ब्रांच में होगा। और यदि अगर आप मुंबई के बाहर रहते हैं तो एक ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जैसे गूगल मीट या जूम, उसके माध्यम से भी ये हो सकता है। वैसे तो ये काउंसलिंग सेशन करियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैडम करती है, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स कवर होंगे, बट ऑन एन एवरेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इसमें सबसे पहले जो भी रिस्पॉन्सेस उन स्टूडेंट ने दिया है उसके बेसिस पे पहला चीज, मतलब कि उनकी चॉइस ऑफ करियर, जिसमें उनका मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर दूसरा उनकी पर्सनैलिटी काउंसलिंग होगी, क्या क्या चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी को सूट हो सकती है, क्या चीज़ें उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उनकी लर्निंग मेथडोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली उस स्टूडेंट में कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंसेज डोमिनेंट है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ओवरऑल इस काउंसलिंग का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का रहेगा। अब सबसे पहले देखिए कि करियर को चॉइस करना है तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरी रहती है। एक मतलब कि आप पहले मेन ब्रांच डिसाइड करिए, और फिर दूसरा कि सब ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, लॉजिक नंबर वन पे है, और वो टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, तो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट अ मेन ब्रांच। और इंजीनियरिंग के अंडर जो अलग अलग ऑप्शन है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये उसकी सब ब्रांचेस है। तो रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग ये बता पाएंगे कि वेदर दैट चाइल्ड इज सुटेबल, और वेदर दैट स्टूडेंट इज सुटेबल फॉर दिस ब्रांच और नॉट, और अगर वो है तो फिर वो कौन से स्पेसिफिक सब ब्रांचेस के लिए ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट है जिसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, वो काफ़ी क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव स्किल्स उसके बहुत बेहतरीन है, तो वो स्टूडेंट डिजाइनिंग इस पूरे सेक्टर के लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। अब डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर भी आता है, फैशन डिजाइनिंग भी आती है, इंटीरियर्स भी आता है, किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करना है वो भी चीज़ें आती है। आज की तारीख में चाहे कोई पेन हो या फिर एरोप्लेन, हर चीज़ का डिजाइन बनता है। सिमिलरली इफ अ स्टूडेंट इज वेरी गुड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर्स, तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसे अलग अलग चीज़ों में अच्छा कर सकता है। बट प्रिसाइजली उसने किस में जाना चाहिए इसका अंदाजा काउंसलिंग सेशन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो ब्रांचेस है, फाइनेंस, लॉ, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ये चीज़ें मेन ब्रांचेस हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें दी गई है वो सब ब्रांचेस हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्सेट्रा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी ही ब्रांचेस कवर होती है ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, मीडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब, साइकोलॉजी। सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन जिसको हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द सेशन आपको दो से तीन इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है और जो मोस्ट सुटेबल है वो आपको बताए जाएंगे। इस काउंसलिंग सेशन में हम लोग जो ऑप्शंस बताने वाले हैं उसका लॉजिकल रीजनिंग भी देंगे, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और वो क्यों करनी चाहिए इसका अंदाज़ा भी दिया जाएगा। कई बार दोस्तों ये चीज़ होती है कि क्या नहीं करना चाहिए, इतना भी हमें पता चल गया तो हमारा बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें कवर होंगी, क्या करना चाहिए और क्यों, और क्या अवॉइड करना चाहिए और क्यों। तो दिस इज अबाउट योर करियर काउंसलिंग। फिर एक बार हमारा ये डिसाइड हो गया कि ओके, ये दो से तीन अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, तो फिर जो भी सिलेक्टेड फील्ड्स है उसमें जो प्रोसीजरल डिटेल्स है, जैसे कौन से इंस्टीट्यूशंस बेहतरीन है, कौन से कॉलेजेस, कौन से यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, इसके ऊपर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। वहाँ पे एडमिशन कैसे मिलती है, जैसे कुछ कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेस है होते हैं वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है। बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्सेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो प्रकार के रहते हैं, कुछ ऐसे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, फॉर एग्जाम्पल JEE, NEET, CLAT, और कुछ ऐसे जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि CET। सो इन सभी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल उन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर, पैकेजेस, ये सब उसके जो डिटेल्स है वो हम लोग देखेंगे। तो इन शॉर्ट इसमें पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है, और फिर हम लोग इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे जाना है। तो दीज आर द फ्यू डिटेल्स। नाउ वंस वी डिस्कस अबाउट द करियर पार्ट, अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर काउंसलिंग हो गया और हमारा काम बन गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में हमने क्या करना चाहिए, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा पर्सनैलिटी का टाइप कैसा है। ठीक है, तो कोई भी ह्यूमन काइंड के चार प्रकार की पर्सनैलिटीज होती है। एक रहता है डोमिनेंट, दूसरा रहता है इन्फ्लुएंशियल, तीसरा रहता है स्टडी, एंड द फोर्थ वन इज कंप्लायंट। नाउ एवरी पर्सनैलिटी विल कम विथ इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस,
लेकिन जो भी हमारी पर्सनालिटी का टाइप है, उस तरीके का जॉब प्रोफाइल अगर हमारा रहेगा तो हम लोग वहां पे ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे, एंड बेसिकली वी विल एंजॉय दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। सो डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होती है उनकी साइकोलॉजिकल नीड होती है मनी एंड पावर। तो ऐसे तरीके के सभी जॉब्स जहाँ पे अच्छा पैसा या फिर अच्छी खासी अथॉरिटी मिलने वाली है, ऐसे जॉब प्रोफाइल्स डोमिनेंट पर्सनैलिटीज के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट ने सिर्फ ग्रेजुएशन पे ना रुकते हुए उन्होंने जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब डिग्रीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट है तो जनरली दीज आर गोल ओरिएंटेड, एंड ये जो ऐसे जो पर्सनैलिटीज के लोग हैं वो कंट्रोलर होते हैं, वो दूसरों से कंट्रोल कंपैरेटिवली कम होता है। दे आर हैविंग अ कमांडर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, ठीक है, कमांडिंग नेचर उनका हो सकता है। तो चाहे आप सरकारी क्षेत्र में जाइए या प्राइवेट में, बट इस तरीके की पर्सनैलिटी अगर होगी तो आपको वहां पे अथॉरिटी, पावर, मनी ये रिक्वायर्ड होंगे। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। इनकी साइकोलॉजिकल नीड होती है टू नर्चर द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग। इसके लिए दीज पीपल आर एक्सलेंट कम्युनिकेटर्स, जनरली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इनका होता है। तो ऐसे तरीके की जो जॉब प्रोफाइल है वो वहां पे ज्यादा जरूरी और सुटेबल है जहां पे उनको लोगों से बातचीत करनी है। दे हैव टू डील विद पीपल, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, टीचिंग, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, ये सभी चीजों में यू हैव टू डील विद पीपल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैनेजमेंट, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करिए या फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करिए, जहां जहां से आपको लोगों से काम करवाना है वहां पे ऐसे तरीके के लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली आप देखिए कि स्टडी पर्सनैलिटीज के जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड होती है स्टेबिलिटी। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी पूरी पूरी स्टडी है तो इनिशियल डेज में आपने कोई बिजनेस या फिर एंटरप्राइज से अच्छा आपने जॉब प्रोफाइल्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में स्टेबिलिटी होती है। बिजनेसेस में जो इनिशियली जो अप्स एंड डाउन आ सकते हैं तो वो इनके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं रह सकते। दीज पीपल आर वेरी लॉयल, वेरी हार्ड वर्किंग, और ये अपने काम के प्रति बहुत ही लॉयल रहते हैं। कंप्लायंट पर्सनैलिटीज के जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड है प्रोसेस को फॉलो करना। तो दीज पीपल आर प्रोसीजर ड्रिवन, प्रोसेस ओरिएंटेड। तो ऐसे सभी तरीके के जॉब प्रोफाइल जहां जहां पे प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, जैसे कि ऑडिट, मेडिसिन, या फिर कंप्यूटर का कोड लिखना, बैंकिंग सेक्टर, तो दीज पीपल विल डू वेरी नाइसली। तो हम लोग आने वाले 10-15 साल कहाँ पे गुजारने वाले हैं ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटेंसीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, हमारा ओवरऑल मेंटल मेकअप कैसा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का इसमें से पता चलेगा। अब देखिए, पुराने जमाने में जो करियर की चॉइस है वो थोड़ी सी अनसाइंटिफिक तरीके से होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्कोर मेरा 10th या 12th में या फिर ग्रेजुएशन में परसेंटेज काफी अच्छा है, 80-90, तो फिर मैंने ऐसे फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए जो टेक्निकल है या साइंस की तरफ रिलेटेड है। अगर मेरा स्कोर कम है तो कॉमर्स, और कम है तो फिर आर्ट्स। तो ये बहुत ही अनसाइंटिफिक मेथड है। इन रियलिटी हमारा जो करियर का चॉइस है वो डिपेंड होना चाहिए हमारे कौन से इंटेलिजेंसेस कौन से नंबर पे है, वो कहाँ पे ट्रिगर हुए हैं। कोई भी ह्यूमन काइंड में नॉर्मली 8 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंसेस के कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, वर्बल या लिंग्विस्टिक स्किल्स, किसी का विजुअल्स बहुत अच्छा होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अवर ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू दिस 8 सब पार्ट्स, और इसमें जितने भी इंटेलिजेंसेस हैं वो हमारे में कम ज्यादा अधिक प्रमाण में होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और प्रेफरेंस जिस चीज को मिलता है उस हिसाब से अगर हम लोग करियर को प्लान करेंगे तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका विजुअल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है तो दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ शेप्स, कलर्स, अलग अलग आइसोमेट्रिक व्यूज, मतलब कोई चीज कैसे दिखेगी या किस तरीके का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा वो उनका बड़ा अच्छा रहता है। एट द सेम टाइम देर इज समथिंग कॉल्ड एज इमेजिनेटिव इंटेलिजेंस। तो इमेजिनेशन डील्स विथ योर क्रिएटिविटी। अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी है तो डिजाइनिंग फील्ड बहुत बढ़िया आपके लिए हो सकता है। अगर आपका लॉजिक बहुत बढ़िया है, एट द सेम टाइम आपके इमेजिनेटिव स्किल्स भी अच्छे हैं, तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ साइंस, ऑल्सो अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, कि कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हो वो एक्चुअली असल में जब ये एप्लीकेशन उसका होगा तो वो कैसे यूज की जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है। अगर आपके काइनेस्थेटिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, फाइन मोटर स्किल्स, तो फिर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी। आप ऐसे सभी तरीके के काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको हैंड या फिर हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन ये जरूरी होता है। अगर आपके ग्रॉस मोटर्स अच्छे हैं तो ऐसे तरीके की फील्ड जहाँ पे आपको बॉडी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्पोर्ट्स, योगा, फिटनेस इंडस्ट्री, एक्टिंग, डांस, कोरियोग्राफी, ये सब। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंसेस है। ऐसे लोग जिनका इंट्रा पर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहता है, दे आर जनरली थिंकर्स,
वो अपने खुद के कंपनी में बहुत अच्छा प्रोडक्टिव समय बिता सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जनरली दीज आर पीपल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, मतलब इनका लोगों के प्रति कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका ओवरऑल द वे दे डील विद पीपल, ये बहुत ही अच्छे स्किल्स इनके हो सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमारे इंटेलिजेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सेक्टर को या कौन से फील्ड को चूज करना चाहिए। तो इसको हमारे रिपोर्ट में इस तरीके से मैपिंग किया गया है, जिसमें इंट्रापर्सनल स्किल्स, लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इमेजिनेशन, इसके सब परसेंटेज पता चलते हैं। एंड फिर जो जो करियर ऑप्शंस है उसको हम लोग इसके ऊपर स्केल अप करते हैं कि अगर उसका ये स्किल अच्छा है तो ये करियर ऑप्शन उनके लिए अच्छा हो सकता है, और ये स्किल अगर वीक है तो इसके लिए उन्होंने जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से एवरी पर्टिकुलर स्किल सेट हैज बिन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, और उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग और डिस्कशन काउंसिलर मैडम करेंगे। काउंसिलर मैडम सर, विच एवर माइट बी द पर्सन हु इज अवेलेबल, दैट पर्सन विल बी डूइंग दिस। अब लॉजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इस इंटेलिजेंस का एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या अर्थ है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका पूरा एनालिसिस भी उसी में दिया गया है, ताकि अगर आप ये रिपोर्ट आज से 1, 2, 3 साल के बाद भी पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज का मतलब क्या होता है। यहां तक हमने किया मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस रिपोर्ट के माध्यम से उस स्टूडेंट का हमें लर्निंग मेथोडोलॉजी भी पता चलेगा। कोई भी स्टूडेंट 3 अलग अलग तरीके से सीखता है। एक है विजुअल लर्निंग, मतलब चीजों को देख के सीखना, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो मैंने देखा, या फिर कोई पेन ड्राइव कोर्सेस को देख लिया, किसी भी चीज को, इमेज को मैंने देख लिया और मैं समझ गया। दूसरा रहता है ऑडिटरी लर्निंग, मतलब चीजों को सुन के मैंने सीखा, ठीक है। और तीसरा रहता है काइनेस्थेटिक लर्निंग, बेसिकली इट इज नथिंग बट लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग काइनेस्थेटिक तरीके से अच्छी होती है, तो उनको 1-to-1 इंटरेक्शन या फिर पर्सनल ट्यूटर या छोटा ग्रुप ट्यूशन आर मोर सुटेबल, ठीक है। अगर आप विजुअल लर्नर है तो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लेना, वो अगर दिखेगा तो आपको समझेगा। इस तरीके से आपकी लर्निंग मेथड्स का भी अंदाजा हमें आ जाता है। फाइनली हमें इससे अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज नथिंग बट ग्रास्पिंग, तो आईक्यू कितना है। फिर इमोशनल क्वेश्चन इज नथिंग बट ईक्यू, तो उस पर्सन का सेंटिमेंटल ओवरऑल रेगुलेशन कितना अच्छा है। अलग अलग जो निगेटिव इमोशंस है, जैसे फियर, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जेलेसी, एनवी, इनके ऊपर हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ईक्यू के ऊपर। फाइनली हमें पता चलता है कि हमारा एडवर्सिटी या स्ट्रेस क्वेश्चन कितना है, जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, किस तरीके के स्ट्रेसेस हम लोग कितना सहन कर सकते हैं। अगर आपका कंफर्ट क्वेश्चन कम रहेगा, जैसे आप कंफर्ट क्वेश्चन के बाहर जाने के लिए रेडी हो, तो आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सब एनालिसिस पता चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है, जैसे आईआईटी के लिए जेईई या फिर यूपीएससी, ये सब एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रेस क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन है उसको बढ़ाया जा सकता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, लेकिन फिलहाल वो कितने लेवल पे है ये हमें पता चलेगा। और फाइनली आपकी क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसी है, इसका अंदाजा सीक्यू से आ जाएगा। ओवरऑल इस काउंसलिंग के सेशन में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चलता है कि अलग अलग मेन ब्रांचेस के लिए हमारी ओवरऑल सुटेबिलिटी कैसी है। एंड देन उसके बाद उसके जो सब ब्रांचेस हैं उसको मैपिंग किया गया है। अब रिपोर्ट में जितने सब ब्रांचेस है वो तो कवर होंगे ही, बट एट द सेम टाइम बाकी के जो ब्रांचेस है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो नए ऑप्शन है, वो भी काउंसिलर आपको रिपोर्ट जो काउंसिलिंग सेशन में है उसमें बता देंगे। एंड उसमें से 2 से 3 इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चॉइसेस है वो डिस्कस करने का काम मैडम करेंगे या सर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और चीज ये है कि ये जो पूरा काउंसलिंग सेशन है ये सिर्फ यूनिलैटरल नहीं होगा, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि काउंसलर ही खुद बात करेंगे और आपको बस सुनना है। दिस विल बी अ बायलैटरल काइंड ऑफ अ सेशन, जिसमें आपके डाउट्स, आपके डायलेमास, आपके क्वेश्चन, ये सब चीजें भी डिस्कस की जाएंगी। आप जितना इनपुट्स, आप जितना उसमें वोकल रहोगे, उतना काउंसलिंग बढ़िया हमारा हो सकता है। तो इट इज अ 2-वे प्रोसेस। तो उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो कि फिलहाल 10th या 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे खड़े हैं, तो बेसिकली उनको आगे का मैपिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली रिमार्क्स और नोट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ हैबिट्स फॉर्म करने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए, तो वो सब चीजों के बारे में रिमार्क्स और नोट्स जो है वो काउंसलर पर्सन यहाँ पे लिख देगा। तो इसको अगर सम अप करना है तो प्रोसीजर कुछ इस किस्म से है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऐसी है कि सबसे पहले स्टेप 1, वी विल सेंड दी लिंक्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट टू द स्टूडेंट। उसके बाद फिर उनको हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद कुछ पार्शियल पेमेंट रहेगा, वो हमें एक्सपेक्टेड है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ द रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट की प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग आपका काउंसलिंग का जो स्लॉट है वो डिसाइड करेंगे आपके साथ डिस्कशन करके। एंड देन उसके बाद वी विल सेट फॉर द काउंसलिंग सेशन।
तो ये पर्टिकुलरली पूरा प्रोसीजर है, इसको हमने सम अप किया है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने चीजें बताई है कि ये टेस्ट घर से भी दिया जा सकता है या ऑफिस से भी। एंड इसकी प्रोसीजर डिटेल्स में काउंसलिंग जो है ये फेस टू फेस होगी, मतलब इन पर्सन होगी। ये ऑनलाइन माध्यम में भी हो सकती है, जो ऐसे स्टूडेंट है या क्लाइंट है जो कि आउट ऑफ मुंबई रहता है वो मुंबई में नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन पर्टिकुलर काउंसलिंग की भी सुविधा अवेलेबल है। एंड उसको हम लोग लाइव फॉर्मेट में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट और मे बी जूम मीटिंग के द्वारा। काउंसलिंग सेशन में दोनों पेरेंट होना अपेक्षित है। अगर वो स्टूडेंट 18+ है तो वो अकेला आ सकता है, बट अगर वो पेरेंट को लाता है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। दोनों पेरेंट नहीं होंगे, एटलीस्ट एक कोई बिजी है तो कम से कम एक तो होना चाहिए। ये काउंसलिंग सेशन टोटल 1.5 से 2 घंटा चलेगा, और काउंसलिंग सेशन ये मंडे से लेकर संडे किसी भी दिन हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि इसके लिए एक प्रायर अपॉइंटमेंट हमें लेनी पड़ेगी, जो कि म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पे डिसाइड होगी, जो समय आपको अवेलेबल है और काउंसलर को, दोनों का इसमें समय देख के हम लोग काउंसलिंग सेशन शेड्यूल करेंगे। हमारे ऑफिस से थाने में, दादर में और ऑनलाइन माध्यम में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 9820245424। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।